नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सात संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगो जूम प्लेटफॉर्म आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, गुरु जी के टाइम की संगत अलका तलूजा आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अलका आंटी, ओवर टू यू। जय गुरुजी, गुरुजी को और गुरुजी की आई संगम मेरा प्रणाम। गुरुजी का शुक्राना जो ने मेरे को मौका दिया सत्संग अपना शेयर करने के लिए, एंड आज तो फुल प्रूफ हो गया कि गुरुजी को किसने क्या कब कहां शेयर करना है या क्या करना है। There is no coincidence. I think मेरे लिए गुरुजी ने आज ही का दिन चूज किया था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। So गुरुजी कहते थे कि blessings दोनों तरफों चल दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरु परिवार को बताना चाहता, मैं गुरु परिवार को बताना चाहता हूं कि आज उषा भाटिया आंटी जी ने वचन नरेशन सेशन लेना था एक घंटे के लिए, लेकिन शी इज नॉट कीपिंग वेल। तो मुझे उन्होंने 6 बजे के आसपास मैसेज दिया था, और गुरु परिवार को ये जान के हैरानी होगी कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैंने अलका आंटी को कॉन्टेक्ट किया था संगत शेयरिंग के लिए, और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया था। तो गुरु परिवार की तरफ से अलका आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। अंकल शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी की सब लीला है, हम कुछ नहीं जानते हैं गुरु जी के बारे में, हम अभी भी सीख रहे हैं, एंड ये सब उन्हीं की कृपा है। तो शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। तो अंकल, हां जी, जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड गुरु जी कहते सी के दोनों तरफ तो ब्लेसिंग चलती है, सुनन वाले नु भी ब्लेसिंग्स ते सुनान वाले नु भी ब्लेसिंग्स। सो आई डोंट नो गुरु जी ने आज क्या ब्लेसिंग्स देनी थी मुझे। मैं भी कुछ दिनों से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और मुझे लग रहा है कि गुरु जी ने आज मुझे ब्लेस करने के लिए यहाँ बुलाया है कि अपना सत्संग शेयर करो। सो अगेन वंस अगेन अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ गुरु जी के साथ। मैं अराउंड 97 की बात है, 1997 में मेरे अंकल वॉज वर्किंग विद भारत पेट्रोलियम एंड वॉज पोस्टेड इन बरेली। तो बच्चे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, अंकल को बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया। सो वी आस्क्ड अपनी कंपनी को, हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारी ट्रांसफर कर दीजिए एंड दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में मेरे पेरेंट्स और सब रिलेटिव्स रहते थे, मेरे को सपोर्ट मिलेगी। बट वो कहते हैं ना कि ये हम नहीं प्लान करते हैं, हम पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतरों से गुरु जी के साथ जुड़े हुए, ये सब गुरु जी की प्लानिंग थी, गुरु जी ने हमें यहाँ बुला के अपने साथ जोड़ना था। सो कुछ टाइम लगा, एंड 97 में हुआ था, 2-4 महीने के बाद मेरे अंकल की ट्रांसफर हो जाती है, एंड वी कम बैक टू, हम लोग दिल्ली वापस ट्रांसफर हो गए आते हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू दिल्ली। एंड दिल्ली आते ही हम लोग मेरे आंटी हैं, एक आंटी नहीं कजन सिस्टर है, आशा मेहरा आंटी, सो उनके घर गुरुजी ने आना था। आशा मेहरा आंटी ने कहा कि हमारे घर, हमारे, उनको मालूम था मेरे अंकल बीमार हैं, और जनरली लोग किसी न किसी तकलीफ या बीमारियां तो गुरुजी हमें मालूम है अपने ऊपर लेके सबको कल्याण करते थे और ठीक करते थे। तो उन्होंने बोला कि कल को आया तो तुम, हमारे गुरुजी आ रहे हैं हमारे घर। उन दिनों गुरुजी घर भी किसी किसी के जाते थे, उन्होंने आशा आंटी को कहा था मैं तेरे कार आना ब्लेस कर। सो उनके घर आए गुरुजी, और आंटी ने हमें गुरुजी से ब्लेसिंग लेने के लिए इनवाइट किया। तो गुरुजी की संगत लगी, एज वी ऑल नो गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी को सब पता होता है क्या ये। हमारा अगला पिछला सब कुछ जानते थे, सो आज भी जानते हैं। गुरुजी ने जैसे मेरे अंकल ने माथा टेका, गुरुजी ने कहा लोटा लेके एम्पायर स्टेट आई, और एक ओम भी लेके आई गोल्ड का, लोटा तांबे का मंगाया था और गोल्ड का ओम मंगाया था। एंड
जो हमने नेक्स्ट डे ओम खरीदा एक और लोटा लिया, और मेरे अंकल हम लोग नोएडा रहते थे उन दिनों, लोटा और ओम लेके गुरु जी के छोटे मंदिर गए। मैं और मेरे बच्चे नहीं गए थे, अंकल अकेले ही गए थे। जैसे ही दरबार में एंटर किया, इट वॉज अ डिवाइन प्लेस। अंकल को वहां के नियम कानून कुछ नहीं मालूम थे, फर्स्ट टाइम गए थे। जैसे ही एंटर किया, अंकल ने सोचा कि जैसे और पंडित महात्मा होते हैं, मैं जाऊंगा लोटा लेके ओम, वो कुछ करेंगे उसको ब्लेस और मैं वापस आ जाऊंगा। पर जैसे ही अंकल उठने लगे तो गुरुजी ने इशारा किया बैठा, अंकल बैठ गए। ऐसे ही चाय प्रसाद आया, गुरबानी प्रसाद हुआ, गुरबानी चली, फिर उसके बाद गुरुजी ने हलवा प्रसाद बांटा, फिर उसके बाद एकदम चटाइयां या वो दरी बिछती थी और एक एक जना प्लेट में चार चार जने लंगर खाया। लगा थोड़ा कि ये क्या हो रहा है, बट अंकल ने गुरुजी ने बोला बैठ जा, तो बैठ के जैसे भी कहा था गुरुजी ने फॉलो, मेरे अंकल ने फॉलो करा गुरुजी को। उसके बाद सब लोग आज्ञा लिया करते थे, तो मेरे अंकल ने आज्ञा ली। जैसे ही आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए तो गुरुजी ने फिर इशारा करके बुलाया उनको, और गुरुजी ने उनका लोटा और ओम को ब्लेस किया। और लोटा ओम ब्लेस करने के बाद उन्होंने कहा कि ओम गले च पानी, और लोटे का जितना पानी पी सकते हो राती भर के रखना, जितना पानी पी सकते हो पी लेना, और बाकी का नान की बाल्टी च पा लेना। वो मेरे अंकल को ये कहा था उन्होंने। सो हर किसी को गुरुजी ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी को कहा कि अद्धा पी लेना, बट मेरे अंकल को कहा था जितना पी सकते हो पी लो, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल लेना। सो अंकल ने लोटा ब्लेस कराया, घर आ गए। ये भी नहीं सोचा था कि मैं दुबाऊंगा या क्या करूंगा, बट अगले जैसे ही अगला नेक्स्ट वीकेंड, गुरुजी ने कहा था आंधे रहा करो, और अट्ठी बाद में कहा था अट्ठी दिन आया करो। गुरुजी हर किसी को कहते थे अंधेरे आ करो। सो घर गए, नेक्स्ट वीकेंड आया, तो अंकल के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वी शुड, हम लोग को सबको जाना चाहिए गुरुजी के दरबार में। सो वो विचार उत्पन्न करने वाले भी वो, बुलाने वाले भी वो, डिटैच करने वाले भी वो, उनकी लीला वही जानते थे। तो हमको दोबारा बुलाया, और मैं और मेरे दोनों बच्चे हम लोग गुरुजी के छोटे मंदिर गए। बच्चे मेरे बहुत छोटे नहीं थे, वेरी स्मॉल किड्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ड्रॉप साइलेंस होता था, सब लोग करते। तो मेरे एक बेटा 10 साल का था, एक 13 साल का। तो हम गए बच्चों को, हम लोग को गुरुजी और that was nothing but medicines. वो medicine होती थी गुरुजी की जो हमें खिलाया करते थे। So गुरुजी का कहना था कि पहले तो चाय प्रसाद आता है, आजकल भी लोग मना कर देते हैं चाय नहीं है प्रसाद है, उसके बाद फिर गुरबानी का प्रसाद, लोगों को समझ नहीं आती थी गुरबानी। As we seen South Indians भी थे, Bengalis भी थे, सबको पंजाबी समझ नहीं आती थी। तो किसी ने गुरुजी समझ नहीं आती गुरबानी, तो उन्होंने कहा मैं समझन वास्ते थोड़ी के सुनो, करना च वाइब्रेशंस आनी चाहिए, मेडिटेट करो और सुनो। तो गुरबानी प्रसाद मिलता था, फिर हलवा प्रसाद मिलता था, फिर उसके बाद मिठाइयां भी आती थी जो गुरुजी कई बार अपने साइड में रख लेते थे रात में, और उसको कई बार मसल मसल के ना, मतलब एक एक जने को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, हर किसी की अपनी नीड होती, किसी को है कम देनी है, वो सब गुरुजी को बताता था, गुरुजी प्रसाद दिया करते थे। सो दैट वाज ही सेम ट्रीटमेंट, और उसके बाद फिर लंगर प्रसाद होता था, उसके बाद हम लोग आज्ञा लेके जाया करते थे। और एक दो इंस्टेंसेस मैं सुनाती हूँ गुरुजी के दरबार के। एक बार मुझको याद है कि हर किसी को किसी ना किसी ने गुरुजी के दरबार तक पहुंचाया होगा और रास्ता दिखा, जैसे आशा आंटी ने बताया। तो एक आंटी को एक अंकल, रात का टाइम था, उसके बाद ड्यूटीज पर करके तब रात को फिर गुरुजी शाम को लेट इवनिंग संगत करते थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही हम लोग पहुंचते थे वहां, और गुरुजी ये सब करते थे, वो आंटी को ना एक अंकल लेकर आए वहां। तो आंटी ने सोचा कि 7-8 बज रहे थे, आंटी का डिनर टाइम था, तो आंटी ने सोचा
कि भाई पता नहीं कितनी टाइम लगेगा, वहां रात का समय है। सो देयर वाज एक रेडी खड़ी थी केले की, तो आंटी ने वहां से केले खरीदे और अकॉर्डिंग टू हर नीड जितने एक दो तीन खाली के जैसे गुरुजी को किसने बताया कि मैं केले खा रही हूँ। सो गुरुजी न्यू एवरीथिंग। ऐसे ही एक और इंस्टेंस, ये जो गुरुजी को किसने बताया इसके बारे में, मेरे अंकल बहुत बीमार रहते थे, तो अंकल नेचुरली बीमारी में इंसान थोड़ा सा गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। सो अंकल ना बहुत गुस्सा हुआ करते थे, तो एक दिन हम लोग गए गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी कहते ने कल ना एक चांदी का कड़ा लेके आए, चांदी का कड़ा लेके आए। सो गुरुजी थोड़ा जल्दी बोलते थे, तो हमको समझ नहीं आया, हमने सोचा कड़ा प्रसाद कह रहे। तो फिर हमें सेवादार ने बताया कि नहीं, गुरुजी ने चांदी का कड़ा मंगवाया और तू आंटी ने बड़ा गुस्सा करता है, तू कड़ा ड्रेस करके पहनाया मेरे अंकल को। एंड फिर वो कड़ा जो था जब पहनाया, और मेरे अंकल ने गुस्सा किया घर आके करी कि तूने गुरुजी को बताया कि मैं तेरे से लड़ता हूँ। सो गुरुजी से ना कहने के मतलब है कुछ, मेरे अंकल भी हंसते हैं कि मैंने ऐसे कहा था, गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो सब पता है मैंने ऐसे क्यों कहा था। एंड गुरुजी के प्रसाद में इतनी पावर्स है कि मैं मीन्स सारी पावर्स है ही उनके प्रसाद में है, प्रसाद पूरा ग्रहण करना चाहिए। एक मैं इंस्टेंस वो भी सुनाती हूँ कि एक आंटी को गुरुजी कभी कभी उठ के ना प्रसाद, रोटी प्रसाद भी डाल दिया करते थे प्लेट्स में। और एक आंटी को पहले से ही चाय प्रसाद पिया उसने, फिर उसके बाद हलवा प्रसाद खाया, फिर मिठाई भी खाई होगी, तो नेचुरली उनका पेट भर गया। गुरुजी उठे, गुरुजी ने उठ के उनकी प्लेट में तीन रोटी प्रसाद डाल दिया, और जैसे ही रोटी प्रसाद डाला, आंटी ने एक रोटी खाई, दो खाई, अब तीसरी रोटी प्रसाद उनसे खाई। ले जाओगे तो गोड्डे की में ठीक होंगे। सो ये उनका स्टाइल था, ये उनका तरीका था क्योर करने का। एंड ऐसे ही एक बारी मेरे अंकल को गुरुजी ने, मेरे अंकल बहुत ज्यादा क्रॉनिक शुगर पेशेंट थे, आज भी हैं, ही इज ऑन इंसुलिन, तो गुरुजी ने उनको चार बड़ी बड़ी जलेबियां खिलाई। जलेबियों के बाद फिर उठाया, खड़ा किया को दो बड़े बड़े समोसे दे दिए। समोसा प्रसाद देने के बाद फिर उसके बाद हलवा प्रसाद आया, फिर उसके बाद रोटी प्रसाद तो होती थी, वहां की मौज ही निराली होती थी, मींस खाया भी जाता था, वो सब गुरुजी की कृपा होती, गुरुजी कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। और गुरुजी खिलाते थे हम लोगों को खूब भर भर के। उसके बाद हम डर रहे थे अंदर से कि पता नहीं इतना कुछ खिला दिया गुरुजी ने, अब मेरे अंकल की शुगर का क्या हाल होगा, बीमार ना हो जाए। पर हम लोग तो अनजान थे ना, हमें क्या पता था, एक भगवान रब हमारे महाशिव हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि हम तो उनको गुरु ही मानते थे। एंड फिर गुरुजी ने उनको कहा, माथा टेकने लगे आज्ञा लेने से पहले, तो गुरुजी ने कहा कल शुगर चेक करके दसी। सो संगत जी, जब हमने अगले दिन शुगर चेक करी तो मेरे अंकल की शुगर नॉर्मल थी, गुरुजी ने मेरे अंकल की शुगर ठीक करी थी। सो दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट। अल्सर्स अगर किसी होते थे तो मिर्ची आएगी आपके प्रसाद में आती थी, तो ऐसे करते थे। गुरुजी का ये अपना तरीका था, आज भी आते हैं, तो आज भी मैंने देखा है लोगों को क्योर होते हुए। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुजी के दरबार तक हम खुद नहीं पहुंच सकते हैं, ये सब उनकी प्लानिंग होती है। हम गुरुजी के दरबार में नहीं पहुंचे, हम गुरु से नहीं जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। एंड ये उनकी कृपा है, हमने कोई, मैं कहूंगी कि वी आर द ब्लेस्ड वंस जिनको गुरुजी ने जोड़ा अपने साथ। अगर आज गुरुजी ने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा होता तो शायद आज मैं ये सत्संग नहीं कर रही होती, या मेरे अंकल भी नहीं होते। सो शुक्राना गुरुजी इतनी लाइफ देने के लिए। मेरे अंकल को तो बहुत बारी लाइफ दी है
गुरुजी में, एंड अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ पहले अंकल का, बाद में कभी किसी और दिन करूंगी शॉर्ट में। एंड ऐसे ही हमारा सिलसिला चलता रहा। हम जाने से पहले जब रात को संगत हो जाती थी तो गुरुजी को लाइन में लग के आज्ञा लेके जाया करते थे। सो कभी तो गुरुजी कहते थे चलो चलो चलो, पिक्चर खत्म, ड्रामा ओवर, गुरुजी मजाक भी करते होते थे कई बार, एंड चलो करानू करानू जाओ करानू। सो हम लोग आज्ञा लेके माथा टेक के चले जाते थे। कभी गुरुजी रोक लिया करते थे कि अभी नहीं जाना, अभी घड़ी अभी नहीं जाना, वेट करो। सो गुरुजी न्यू कि आगे घड़ी ठीक नहीं है, ये वक्त ठीक नहीं है, वहां कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम होगी। सो गुरुजी हमें काफी देर तक रोके रखते थे, और फिर जब उनको सब क्लियर दिखता था कि अब मैं भेज सकता हूँ संगत को, तो कहते थे चलो हुन आज्ञा है करानू जाओ। तो हम लोग अपने अपने घर वापसी में चले जाते थे, और रास्ते में हम देखते थे या तो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है या कोई ट्रैफिक जैम है, कुछ ना कुछ अड़चन होती थी, इसलिए जो हमें नहीं दिखती थी गुरुजी को सब पता था। एंड ऐसे ही हमारा चलती रही जर्नी, हम जाते रहे, वन से वीक जाते थे, एंड मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी ने तो हमें मीन्स अपने छोटे छोटे स्वरूप भी बहुत दिए, बड़े वाले भी एक फूलों की माला वाला स्वरूप है, मुझे तो 3-4 दिए गुरुजी ने। एंड उसके बाद बच्चों ने गले में लॉकेट्स की जगह, जैसे आजकल लॉकेट पहनते हैं, वो लूप्स में माल डाल के पहने हुए थे गलों में, एंड गुरुजी ने उनको इतनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं कि मैं बता नहीं सकती, सब गुरुजी की कृपा है। एंड ऐसे ही एक दिन हम आज्ञा ले रहे थे, तो गुरुजी ने कहा हले आज्ञा नहीं है। उन दिनों बड़ा मंदिर बन चुका था ऑलमोस्ट, सो हम लोग चुप हो गए। तो गुरुजी ने कहा अपन बड़े मंदिर जाओगे, तो वी ऑल हमको आज्ञा दी, गुरुजी ने कहा कि भाई बड़े मंदिर जाना है, आज मैं बड़े मंदिर दिखाऊंगा आपको। सो गुरुजी की गाड़ी आगे आगे, हमारी गाड़ी पीछे पीछे, हम सब बड़े मंदिर गए। और गुरुजी ने बड़ा मंदिर पहुंच के जब गुरुजी उतरे, हम लोग भी उतरे अपनी अपनी गाड़ियों से, तो गुरुजी ने रेंडमली 4-5 आंटियों को पिक करा भाई इशारा करके। गुरुजी ज्यादा बोलते नहीं थे, इशारों से ही ज्यादा मतलब हम लोग समझ आते थे कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो जैसे तू भी आ जा करके 3-4-5 आंटियों को गुरुजी ने बुलाया, और गुरुजी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें मंदिर दिखावांगा, बाकी लोग अपना देखने लगे। हम 4-5 लोगों को गुरुजी अपने साथ लेके गए। गुरुजी ने मंदिर में घुसते ही पत्तियों को हाथ लगाया और कहा एथो दी की पत्ती बोलूगी, दैट मीन्स बहुत ग्रीनरी रहेगी यहाँ पे, इतनी हरियाली है, बहुत सुंदर होगी, एंड एज वी सी इट्स अ पैराडाइज पूरे अर्थ के ऊपर, एक बहुत कितना सुंदर मंदिर गुरुजी हमारे लिए छोड़ गए हैं अपनी संगत के लिए। एंड फिर गुरुजी ने अंदर एंटर किया, सो जिस सबने देख रखा है मंदिर, इट्स फॉर्म इट्स इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंग, तो शिवलिंग के नीचे जब गुरुजी अंदर गए, गुरुजी ने क्या इत्थे मैं 12 ज्योतिर्लिंगा का सार पाया है, इत्थे आन तो बाद कितने और जान की लोड़ नहीं है। सो दिस इज दिन अल्टीमेट मंदिर, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप इस मंदिर में आ गए तो। उसके बाद फिर गुरुजी ने अंदर लेके गए एक लेफ्ट साइड पे, एज वी गो फ्रॉम गुरुजी मंदिर हॉल से लेफ्ट में जाते हैं तो गुरुजी के चोले और बेड्स डिस्प्लेड है, जहां वहां गुरुजी खड़े हुए, और गुरुजी ने कहा इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पास अंकला नु पाऊंगा तो एक पास नु पाऊंगा। अब हमें नहीं पता कि हम 4-5 आंटियों को गुरुजी ने क्यों कहा, मे बी सबको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जैसे मुझे हुई, मैं गुरुजी ने हमें ये बताया कि मैं यहाँ कैंसर का इलाज करूंगा। एंड फिर बैकयार्ड में लेके गए, वहां दिखाया सब, और उसके बाद फिर गुरुजी ने हम सबको आज्ञा दी और हम लोग अपने अपने घर आ गए। बात संगत जी वहीं खत्म होगी। हमने कहा गुरुजी ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, इसके अंदर बहुत पावरफुल मंदिर है, यहाँ गुरुजी कैंसर का इलाज करेंगे। गुरुजी बीमारियां तो तब भी ठीक करते थे, लेकिन तब उनको सब कुछ अपने ऊपर लेना पड़ता था, एंड ही हैड टू सफर लॉट बिकॉज ही वाज इन मनुष्य। गुरुजी की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, कितनी मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, लोग जाते हैं किसी भी भाव से जाते हैं, बस चार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एंड एक ये बात कहा था हमने तब भी
कुछ सामान चढ़ा था, कोई धूप अगरबत्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सिर्फ बाके हम लोग को गुरुजी लेते कुछ नहीं थे हमसे, हमें भर भर के ब्लेसिंग्स खिलाते। हम कहते कि ये कैसा है और कैसा दरबार है, कभी कोई मांगता नहीं था। एंड हम कई जगह गए मंदिरों में, कई कई मेरे अंकल बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते होते थे, जो कि गुरुजी के जुड़ने के बाद हमने बंद कर दिया। हर कहीं जैसे हमें लगता था लूट घसूट है, हर कोई पैसे मांग रहा है, छीन रहा है। कोई कहता था यहाँ इतने पैसे डालो, यहाँ इतने पैसे डालो, बट यहाँ कोई कोई चढ़ावा नहीं है। आज भी अगर मंदिर जाते हैं, नोबडी फोर्सेस यू, कोई भी फोर्स नहीं करता कि आप यहाँ इतने पैसे चढ़ाओ, सब बराबर हैं। कोई चढ़ाता है वो, जो नहीं चढ़ाता वो भी, जो उसमें नहीं डालता, सब सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई कुछ। को हम लोग अपनी लोग खाली खाते थे, हमारा ड्राइवर और लोगों के भी हम लोग के साथ एक ही प्लेट में खाते थे। गुरु जी के दर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सो उसके बाद ऐसे ही जर्नी चलती रही। 2003 में एक ऐसा विचार उत्पन्न किया, मैंने वो जोड़ने वाले भी वही, डिटैच करने वही, कि हमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि आप बड़े मंदिर नहीं जा, छोटे मंदिर में गुरु जी वही बैठे थे, हुआ करते थे, बाकी तो संगत वही होती थी। सो हमें विचार गुरु जी ने उत्पन्न किया कि अब नहीं आना, क्योंकि हमको ये फील होता था, वो भी आज सत्संग सुन सुन के हमको ये बात, हम भी अभी भी है गुरु जी के से उठे बैठो पीछे कर देने से। एंड मेरे अंकल को एक बात बतानी भूल गई मैं, एवरी टाइम सो मेनी टाइम्स गुरु जी हर हफ्ते खड़ा करते थे कि चल भी, उनको नोएडा वाला बुलाते थे, चल भाई सुना आप की हुआ तेरे ना, गुरु जी उनको सत्संग करने के लिए कहते थे। सो अंकल सुनाते थे एंड फिर अगली बार फिर उठा देते थे। तो मेरे आगे सोचा और करता था उनको कि हर बार मैं सेम स्टोरी रिपीट कर रहा हूँ कि गुरु जी ने ये किया, ये किया, ये किया। तो मेरे अंकल ने जाके छुप के बैठना शुरू कर दिया पीछे, तो पीछे जाके छुप गए अंकल। और फिर अंकल गुरु जी दूर से पीछे बुला लिया, फिर अंकल को खड़ा करते थे। तो और करते हैं कुछ लोगों का बिठा लेते हैं, उन्हें पैर बजाते हैं और हम लोगों को कहते हैं जाओ वहां बैठ जाओ। तो सत्संग सुन के अभी जो आजकल सत्संग शेयरिंग हो रही है, उससे गुरु जी कहते सी कि उन्हें ज्यादा लोड है, मींस वो पास बैठे थे, उनको आप वाइब्रेट देते थे, पैर दबाते थे, तो कहते थे उनको ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा तकलीफ होती थी। और फिर के एक टू सोल्स ने अभी मैंने सुना एक आंटी को सत्संग में गुरु जी ने बोला, सो आई डोंट नो गुरु जी ने क्यों डिटैच किया कि बस तुम्हारी अब मतलब इतनी जर्नी पूरी होगी। गुरु जी ने डिटैच किया, हमें विचार उत्पन्न हुआ कि अब गुरु जी के मंदिर नहीं जाना है, हमने दूर पड़ता है नोएडा से। सो हमने घर में गुरु जी की स्वरूप थे, गुरु जी की फोटोज जो थी वो मेरे बच्चों ने गले में पहन रखी थी, अंकल लोटे का थे, ओम पहना हुआ था, गुरु जी का दिया हुआ, ब्लेस किया हुआ, सब कुछ कॉन्टिन्यू था। बट हमें आज्ञा गुरु जी ने बंद कर दी, हम मंदिर तक जाना अलाउड नहीं था हमें। एंड दिस वाज इन 2003, मेरे अंकल की ट्रांसफर होती है एंड वी गो हम लोग कोचिन बदली हो जाते हैं अंकल की, हम वहां जाते हैं। और 2006 में पता है कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया एंड बुढ़ापा नहीं था, एंड गुड़गांव में हमने सोचा कि हम शिफ्ट करेंगे और मेरे अंकल रोज कार कम्यूट करेंगे, दे ही गो टू हिज ऑफिस डेली, अप एंड डाउन करेंगे नोएडा गुड़गांव से नोएडा। सो वी शिफ्टेड टू गुड़गांव केम इन 2009। संगत जी 2009 10 में
गुरु जी एक आंटी को मेरे घर भेजते हैं. मेरी दीदी की सिस्टर इन लॉ थी. कभी आना जाना कुछ नहीं था उसका हमारे साथ. कोई ऐसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी. बट शी कॉल्स मी अप एंड टेल्स मी कि मैं तेरे घर आना चाहती हूँ. मैंने बोला आ जाओ. शी वॉज ऑल्सो स्टेइंग इन गुड़गांव एंड शी केम टू आवर हाउस. और घर आके उसने आके आते ही मेरे को इंट्रोडक्शन दी गुरु जी की. बोली एक गुरु जी है वो भाटी माइंस के पास उनका मंदिर है. उसको बड़ा मंदिर कहते हैं. एंड एज विनो के मुझे तो पता था हम तो गुरु जी के दरबार में कितने साल जाते रहे. तो मैंने फिर बोला उसको के फोटो थी गुरु जी का स्वरूप था. ऐसे मंदिर से तो निकालना नहीं था. जो भी हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता गुरु जी की फोटो थी. हम जोत जलाते थे सब करते थे. मैं वो उठा के ले आई. मैंने उनको दिखाया कि ये गुरु जी. सो शी सेड हाउ डू यू नो हिम. तो बस उसके बाद तो फिर हमारे सत्संग शुरू हो गए. मैंने उनको बहुत गुरु जी के बारे में बताया. गुरु जी के दरबार में ऐसे होता था ऐसे होता था. हम ऐसे करते थे. हम कई फंक्शंस पे भी गुरु जी लेके जाते थे हमको. एंड सब बातें शुरू हो गई. और मतलब शाम हो गई. हम दोनों गुरु जी की बातें गुरु जी के सत्संग करते थे. एंड उस बार संगत जी मैंने ऐसे विचार उत्पन्न करने वाले भी वही मैंने बोला. तो गुरुजी ने ऐसा विचार उत्पन्न किया. देन आई टोल्ड दैट आंटी के मेरे को गुरुजी के मंदिर ले चलोगे. मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहां जाना. दूरी की वजह से मेरे अंकल ने थोड़ा हम लोग डिटैच हो गए और हमने जाना बंद कर दिया. सो नेक्स्ट डे आंटी इट वॉज आई थिंक मंडे. सो आंटी सेड आई शिल बी गोइंग. सो हमने एक पॉइंट बनाया. वो उन्होंने मुझे वहां से पिक करा. और my second phase of journey started in 2010. I think it was around September, October only. And उसके बाद फिर हमने गुरुजी के मंदिर जाना शुरू किया. मैंने अपने अंकल को बोला तो मेरे अंकल ने भी एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा. अंकल ने भी जाना शुरू कर दिया. और उसके बाद तो फिर हम ट्वाइस से भी जाने लगे. सो जैसे ही हम वहां जाना शुरू किया 2009 में शुरू किया था. नहीं 2010 में सॉरी. एंड 2012 सितंबर में हम लोग अपने बच्चों के पास. मेरे बच्चे दोनों बेटे सिडनी में सेटल्ड हैं. हम सिडनी गए हुए थे. और वहां मेरे को लोअर एब्डोमेन में एक बहुत पेक्यूलियर टाइप ऑफ पेन उठा. सो आई टोल्ड माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. तो उन्होंने बोला कि मम्मा अभी नेक्स्ट वीक आप जा रहे हो. दो चार दिन रह गए थे हमारा इंडिया आने में. इंडिया जाके चेकअप करा लेने. सो आई केम बैक टू इंडिया. मेरे घर के पास एक मंदिर एक हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल में मैं गई और मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया. सो जैसे हर डॉक्टर के पास आजकल जाते हैं यही सिस्टम है कि वो लोग पहले सारे टेस्ट कराते हैं. So she asked me, are you aware of pap smear? I said, yes, I am aware of. But have you ever got it done? मैंने बोला नहीं मैंने कराया कभी नहीं. बोली कर दूं. मैंने कहा कर दे अल्ट्रासाउंड कर दूं. कर दे ये टेस्ट कर दूं. So she gave me a list of tests. तो मैंने बोला हाँ जी सारे कर दीजिए. तो उसने मेरे को अल्ट्रासाउंड कराने भेजा था. तो दैट अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर ने मेरे को कहा चेक करके कि मैम आप डॉक्टर साहब को दिखा के जाना जाके उनको मिल लीजिए. सो जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ डॉक्टर लेडी डॉक्टर के कमरे में उसने मेरे से मेरे हस्बैंड का फोन नंबर लिया. बोला अपने हस्बैंड का नंबर दो. और उन्होंने मेरे अंकल को फोन किया और उनको बताया कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है. हॉस्पिटल तो शी न्यू के भी ये कहीं बड़े हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहे आप उनका चेकअप. नहीं वो तो ठीक है. वो तो खुद ड्राइव करके गई है. मैं मार्केट गई थी. मार्केट से ही हॉस्पिटल पहुंची. क्योंकि आई डोंट नो कि ये गुरुजी की कृपा है कि मेरे को थोड़ी हैबिट है कि मेरे को जरा सा भी कुछ होता है तो आई गो टू द डॉक्टर. ऐसे डॉक्टर उठाना क्योंकि मैं अकेली हूँ. मुझे लगता है कि बीमारी बढ़ जाए इसलिए छोड़ के मेरा हाथ पकड़ के
मैं थी बट उसने बहुत डांटा मेरे को, जो से और मेरे को एमआरआई में डाला ओनली 5 घंटा उस मशीन से बाहर निकाला। एंड जब बाहर आई तो जैसे कोई बेचारा होता है, एवरीबॉडी वाज फीलिंग लाइक दैट। सो आई सेड पता नहीं क्या हो गया। सो सबने बोला क्या आपने अपना चेकअप नहीं कराया? मैंने कहा नहीं, क्या हो गया? कहती डॉक्टर साहब बताएंगे। उन्होंने मुझे पेन के लिए भेजा। सो शॉक ऐसे कैंसर वालों को आता, मुझे कोई कैंसर हो गया। जब पेट स्कैन हुआ तो उसमें 4th stage ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ, जो मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था, लंग्स और लिवर भी इफेक्टेड थे। डॉक्टर्स ने कहा 6 months मोर टू गो। हमने सेकंड थर्ड ओपिनियन भी लिया और भी हॉस्पिटल्स में दिखाया, मुझे नहीं मरना है, मुझे अपना इलाज कराना है। मैं एक सुई के प्रिक से भी घबराती थी, मैं किसी को सुई चुभते हुए देख लेती थी ना, मैं फेंट हो जाती थी। बट देन आई वेंट टू द डॉक्टर, जो करना करो मुझे मरना। एंड मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। जब मेरी 3 महीने की कीमोथेरेपी स्टार्ट होने के बाद डॉक्टर ने मेरा पेट स्कैन किया, मेरे को हफ्ते में 2 दिन कीमोथेरेपी दी। आई थिंक वीक में मैं 4 दिन हॉस्पिटल रहती थी, टेस्ट होते थे, फिर कभी ऊपर नहीं होता था, फिर इंजेक्शन लगते थे, फिर कीमो दी जाती थी। सो इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। आई हैड टू गो, घर में मेरे को सपोर्ट नहीं था, मेरे अंकल का भी, क्योंकि अंकल बीमार होने के कारण ही वेंट इनटू डिप्रेशन कि मेरी वाइफ मर जाएगी तो मुझे कौन देखेगा। वो काफी बीमार रहते हैं अभी भी। तो बट माय गुरुजी वाज 24/7 विद मी, लुकिंग आफ्टर मी। वो गुरुजी कहते हैं ना, ना घर वाला काम आना, ना बच्चे काम आने, कोई काम नहीं आना, सिर्फ गुरु ने काम आना तो गुरुजी की संगत ने काम आना। माइंड सच्ची बात है, आप भी बता रही हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ थे और गुरुजी की प्यारी संगत, जो एक दो रिलेटिव्स गुरुजी की संगत हैं, मेरी छोटी सिस्टर्स की तरह हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। एंड गुरुजी ने ये प्रूफ कर दिया कि गुरुजी संगत काम आनी। आज की डेट में भी अगर मुझे कोई भी जरूरत होती है तो संगत जी, गुरुजी की संगत ही आती है और मेरी पूरी हेल्प करती है। सो शुक्राना गुरुजी का, जो इतनी प्यारी संगत, इतने प्यारे लोग मुझे दिए हैं गुरुजी ने। एंड फिर उसके बाद मेरा पेट स्कैन हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि मैम आप अपने कपड़े चेंज मत करिएगा। सो आई डिडंट चेंज माय क्लोथ्स, बोले कि एक बार फिर टेस्ट करेंगे। सो जैसे ही मेरा टेस्ट किया, अनदर टीम ऑफ डॉक्टर्स केम एंड बहुत जबरदस्त डिस्कशंस हो रही थी। सो द आंटी, मीनू आंटी है, मीनाक्षी आंटी, वो अंदर गई। डॉक्टर्स ने डांटा भी उनको, क्या आप अंदर क्यों आ गए, हम डॉक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वी आर गेटिंग वरीड भी, क्या हो गया, क्या कैंसर और भी आगे कहीं लंग्स और लिवर से ब्रेन में भी पहुंच गया। मतलब हम डर रहे थे, हम तो इंसान है ना, उल्टा ही सोचते हैं। सो नहीं, उन्होंने कहा कि जो 3 महीने पहले हमने आपको कहा 4th stage कैंसर और 6 months मोर टू गो, हमें एक भी कैंसर सेल, एक भी मेलिग्नेंट दिख नहीं रहा, वो कैंसर गया कहाँ। So, संगत जी, every time after my chemo, I used to go to the Bada Mandir, have my langar prasad. Certain things I was not allowed to eat, like chutneys and jo kachi sabjiyan, salads. As we know, Guruji ke prasad mein chutney aur salads hote hain sir. Mere ko allowed nahi the khane, lekin main khati thi. Mujhe bahut logon ne mana bhi kara ki nahi, tune nahi khane. Main kehti thi nahi, aise mere Guruji da अमृत प्रसाद है, मैं क्यों छोड़ सकती हूँ, मैं एक एक बिट जरा जरा बिल्कुल पूरा अच्छे से प्रसाद खाती थी और
कहती थी गुरु जी असली कीमो खून कराना ही है, एंड वो कीमो ऐसी कराई गुरु जी ने कि 3 महीने में मेरा कैंसर गायब कर दिया। बट डॉक्टर ने बुला के मेरे को कहा कि एज पर मेडिकल साइंस वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, हम अपना कोर्स पूरा करेंगे, हर डिजीज का एक कोर्स होता है। सो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ कीमो, 1 महीना रेस्ट करके उन्होंने मेरी सर्जरी करी, जिस मेरी ओवरीज और यूट्रस एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स की फैटी लेयर्स सब निकाली। उसके बाद फिर 1 महीने का गैप देके फिर 3 महीने और कीमोथेरेपी करी दी मुझे, एंड माय लास्ट कीमो वाज जुलाई 2013। 2013 में थी लास्ट कीमो मेरी खत्म हुई। उसके बाद फिर मेरे क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली एंड देन डेढ़ साल में एक बारी मेरे पेट स्कैन्स होते रहे, ऑल वाज क्लियर। एंड माय लास्ट पेट स्कैन वाज जनवरी 2018। उसके बाद अब मेरे को डॉक्टर्स ने कह दी कि यू आर कैंसर फ्री, यू नीड नॉट गो टू ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है यू हैव टू गो जनरल प्रैक्टिशनर। तो गुरु जी महाराज उन्होंने मेरे को नई लाइफ दी और मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं अपने अंकल को देख सकती हूँ और उनको उनका पूरा ध्यान रखती हूँ। एंड मैं थोड़ा सा मेरा अंकल के बारे में, हम गुरु जी के गए कि मेरे बीमार है तो अंकल को सबसे पहले उनके है, एंड हार्ट जो है 25% काम कर रहा है, गुरु महाराज हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, चल रहे हैं। एंड उसके बाद उनको क्या होता है, उनका हार्ट पंप नहीं करता, उनको टेंशन हो जाता है, एडिनाइन बढ़ जाता है और उनके लंग्स में पानी भर जाता है, सांस नहीं लिया। एंड फिर डॉक्टर्स एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, उनका पानी ड्रेन करते हैं और फिर थोड़ा ठीक होते हैं तो फिर घर आते हैं। ये एक बार ही नहीं, दो बार ही नहीं, 3 बार ही नहीं, आई थिंक इस 28 करोड़। तो गुरु जी ने इतनी शक्ति दी है कि मैं इवन 4 रात को गाड़ी एडमिट करा देती हूँ, 2-3 दिन रखते हैं वहां और फिर वापस भेजते हैं। संगत जी कितने फलाना को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल पहुंच सका, पर अगर हम गुरु महाराज हमारे साथ हैं तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी, वो कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी। सो बहुत बारी को लाइफ दी न्यू उन्होंने, बहुत बहुत बारी। एंड मैं कोरोना पीरियड में का बताती हूँ कि कोरोना में इट वाज आई थिंक 18th of March 2020, मेरे अंकल को एक सेम प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन, लंग्स में पानी भर गया, इतनी ब्रेथलेसनेस हुई। आई सेड आई विल कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, मेरे अंकल ने कहा अगर तू एम्बुलेंस बुलाएगी तो मैं तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी हालत बहुत खराब है। सो कुछ भी नहीं बच, कुछ और अल्टरनेटिव था नहीं। मेरे घर के सामने एक स्कूल है, स्कूल में मैंने उनके जो चौकीदार थे और उनका स्टाफ था उनको बुलाया, अंकल को गाड़ी में डाला पीछे और मैं मेदान पहुंच गई। और वहां जाके ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट, उनके मुंह में जैसे बड़ी बड़ी हॉस पाइप्स डाल देते हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स डाल के हाथ पैर बांध दिए, इट वॉज हॉरिफाइंग सीन। एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उनको कि इनमें कुछ नहीं है अभी, वेट वॉच एंड सी। एंड संगत जी सारी की सारी फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी, मेरे बच्चे नहीं आ सकते, एंड मैं बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उन दिन ना कोरोना 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 शुरू हुआ था, कोई फोन करके बात भी करने को राजी नहीं था। सो बट मैंने गुरुजी को जाने से पहले ये कहा था कि गुरुजी फोटो है गुरुजी का जो स्वरूप है, मैं उनसे बातें करती हूँ। मैंने कहा गुरुजी देख लो तुसी, मैं ऐनी कहंदी कि अंकल नू लाइफ मैं मंगांगी नहीं कुछ भी, मैं कर ली हाँ बस मैं डर दी हाँ, मैं सिचुएशन हैंडल कैसे करूंगी, बाकी आप पे छोड़ा, आपने जो करना है, आई विल नॉट से एनीथिंग, बस इतना कह के गई थी। वहां अंकल को
मींस वो तो अंदर घुसने भी नहीं देते थे आईसीयू में, उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला एक दिन, मेरे को सिर्फ 15 मिनट के लिए बाहर से शीशे से देखने के लिए अलाउड था, मैं उनको देख के आ जाती थी, एक दिन देखा, दूसरे दिन गई, he was on ventilator, same condition. Third day again, he was on ventilator, same condition. I used to come back home. And जब मैं fourth day गई संगत जी, मैंने सिर्फ गुरुजी से ये अरदास करी थी कि गुरुजी मैं कल लिया हूँ, उन तो सिर्फ देख लो. And fourth day, my uncle was sitting, had a cup of tea and chatting with the nurses. So, गुरुजी का, गुरुजी ने उनके new life थी. And फिर उन्होंने डॉक्टर्स ने 2-4 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद हम लोग वापिस आगे डिस्चार्ज करके. स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है. आफ्टर वी केम बैक ऑन 24th, 18 मार्च को जाते हैं, 24 को वापिस आते हैं, 29 मार्च को फिर से उनको एक पैरालिटिक अटैक आता है, सीवियर पैरालिटिक अटैक. एंड देन उन्होंने कहा कि फिर मैंने गुरुजी को कहा कि मैंने कहा गुरुजी एक की कर दे पे हो, फिर उसके बाद गुरुजी ने मतलब एम्बुलेंस बुलानी पड़ी क्योंकि पैरालिटिक अटैक आता तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं. सो उनको स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए थे, पर अरदास मतलब गुरुजी को सिर्फ इतना कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, और गुरुजी ने उनको हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनके हाथ पैर मुंह चलने लग गया. फिर डॉक्टर्स ने 2-3 दिन उनको रखा हॉस्पिटल, 2-4 दिन जो भी था. एंड फिर उनको कहा कि आप इनको घर ले जाइए वापस, कोरोना कोरोना दे वांटेड अ बेड, बेड खाली करो, बेड खाली करो, क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स बहुत आने शुरू हो गए थे. बट देन आई आस्क्ड दोस डॉक्टर्स, आई सेड व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स, सो दैट डॉक्टर सेज ही विल नॉट एग्जिस्ट. देन आई सेड आई एम नॉट टेकिंग हिम बैक होम, आई डोंट नो. तो फिर डॉक्टर्स ने उनके लिए एक पेसमेकर प्लान किया और उनको पेसमेकर डाला, और फिर उनको हम लोग घर वापस आए. 6-8 महीने से तो बिल्कुल बेड से टॉयलेट तक जाने लायक थे, उससे आगे नहीं, पर अब गुरुजी गुरु महाराज ने उनको इतना कर दिया कि घर के अंदर ही इज मोबाइल. सो शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी और उनको ठीक किया. अब हॉस्पिटल मैंने बोला कि मैं अंकल को बहुत बारी, एंड हॉस्पिटल में ये हाल था, कोई भी मेरे साथ नहीं था, सिर्फ मेरे गुरु महाराज 24/7 मेरे साथ थे. और मेरी, मैं कहती हूँ उनकी फोटो से बात करो, उनको प्यार करो, गुरुजी सिर्फ भाव मांगते हैं, प्यार मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं. उनको इतना प्यार करो गुरुजी हमारे साथ ऐसे हो रहा है, कुछ भी बोलो गुरुजी सुनेंगे, बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहूंगी गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे. एंड उसके बाद फिर ये रोज रोज का हॉस्पिटल जाने से भी मैं परेशान होगी, मैं अकेली हूँ बिल्कुल. सो अब मैंने एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत थक गई मैं, इतनी बारी अस्पताल ले जाओगे तो किस तरह चलेगा, मैं बार 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 हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद वापस ले आती हूँ, अब मैं थक गई, बस करो अब अस्पताल में एडमिट कराना. सो एक दिन मेरे, अभी ये तो 6-8 महीने की पहले की बात है, मेरे अंकल ने इंसुलिन लगाते हैं, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते गए और प्रॉपर खाना नहीं खाया उन्होंने. सो शुगर डाउन हो गई, आई कुड मेक आउट कि मुझे उनकी जबान लड़खड़ा गई, मुंह टेढ़ा हो गया. और मैंने फिर हर घर कमरे में गुरुजी का स्वरूप है, मैंने कहा गुरुजी एक की करते पे हो, उन की करा मैं कितने लेके जावा, ये क्या करूं इनका. तो गुरुजी ने अंकल तो मैंने उनको एज ए छोटे बच्चे को मुंह में डाल दे, रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाई. उसके बाद फिर जो भी मीठा था, शुगर लो गई है, ग्लूकोज वगैरह खोल के सब पिटा दिया उनको, वो सब करने के बाद उनकी शुगर फॉली. एंड जब मैंने डॉक्टर्स कॉल बताया, डॉक्टर्स कहते हैं आपको कोमा में जा रहे थे. सो ये पता था कि उनका हाल खराब है, उनकी शुगर नील हो चुकी थी. तो उसके बोला गुरुजी हम की कर दे पे हो. ते उसके बाद संगत जी, बेहोश इंसान जो कोमा में जा रहा है, जिस और एकदम से मेरे अंकल को बिल्कुल नहीं पता कहाँ है चम्मच, कहाँ है कटोरी, कहाँ है क्या, कहाँ पड़ा हुआ है, ही नोज, कुछ भी नहीं मालूम उनको.
नथिंग अबाउट द हाउस. वो इंसान के मन में गुरुजी एक बात देते हैं, अंकल कहते हैं रूह अफ़ज़ा. तो ये कौन डाल सकता एक बेहोश बंदे के मुंह में ये बात. सो मेरे को एकदम ध्यान आया कि कहीं रूह अफ़ज़ा की बॉटल पड़ी हुई है मेरी अलमारी में, और मैंने कबर्ड में से रूह अफ़ज़ा निकाली. He was not about to drink from glasses. मैंने दो सिपर बनाए और अंकल को वो रूह अफ़ज़ा के दो सिपर्स पिला दिए. एंड उसके बाद अंकल की शुगर 90 हो गई, और फिर अंकल 5-7 मिनट के बाद उठ के खुद टॉयलेट गए. सो गुरु जी ने कहा कि हुन मैं तेनू अस्पताल भी नहीं भेजना, मैं घर ही ठीक कर देना, वहां तो करा दा गुरु जी का. गुरु जी है तो कुछ भी हो सकता है. हमें गुरु जी का हाथ हमारे सिर पर, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो है ना, मुस्तफ करेंगे. सो संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ के रहिए, गुरु जी को मानिए, गुरु जी से मांगिए नहीं, बस वो ही हमारे सब कुछ है. गुरु जी को खूब प्यार करें, और वो कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भाव और प्यार चाहती है. वो तो हमें देते हैं, उन्होंने हमसे क्या लेना है. गुरु मेरे को अपना सत्य का मौका. जय गुरुजी महाराज. अलका आंटी, गुरु परिवार आज निहाल हो गया आपके संगत सुन के. बहुत ही कृपा निधान है हमारे गुरुजी महाराज. गुरुजी महाराज की, गुरुजी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे. मैं इसी के साथ उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा. ओवर टू यू उषा सिंह आंटी. जय गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच अंकल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. सारी संगत को जय गुरुजी. और अलका आंटी, इट्स सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस. मैं सब चीज सुन रही थी, और एज यू सेड, कुछ भी सब गुरुजी प्लान करते हैं, कौन किस दिन सत्संग करेगा, और किस तरह से गुरुजी ने सारा कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स किया, और एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ रीजन. और हम लोगों को इतना सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और सुनने का मौका दिया गुरुजी ने, और स्पेशली आपकी जर्नी आंटी. इट इज अमेजिंग, इट इज सो रीअफर्मिंग. इतना फेथ आता है कि ऐसे सत्संग सुनने से, चाहे हम कितने भी पुराने जुड़े हों कितने साल, पर एवरी टाइम वी लिसन ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज रीअफर्म कर रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है. और किस तरह से आपकी अपनी जर्नी, आपका कैंसर और अंकल का, इट्स अमेजिंग. वो खाली गुरुजी महाराज ही, जब हम अकेले होते हैं, कोई सहारा नहीं होता है, तो वही आते हैं और वही हमें उस दुख से उभारते हैं. आंटी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आंटी. एंड गुरुजी की ब्लेसिंग यू ही आप पर, अंकल पर, और सारी संगत पर, जो भी सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, और अंकल सुरेश अंकल की फैमिली पर, जो इतना गुरुजी का ये सेवा कर रहे हैं, जो हर एक कोने में कोई भी बैठा हो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है सुनने के लिए, जानने के लिए. और इतनी चीज़ें जो कर रहे हैं गुरुजी, उनको हेल्थ बख्शें, और गुरुजी अपने से जुड़े हैं, और सारी संगत को यूं ही हम सारे जुड़े रहें, और गुरुजी हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहें. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच आंटी. थैंक यू फॉर शेयरिंग. शुक्राना गुरुजी का. मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएंगे. मनोकामनाएं पूरी करें, सबके दुख दर्द दूर करें, सबको शांति दे.